वेदर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। द सप्लीमेंट्स दैट आई हैव बीन टेकिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर और सो, क्या उनका कॉस्ट पड़ता है, किस प्रोपोर्शंस में मैं उन्हें लेता हूँ, किस तरीके से आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, क्या बेनिफिशियल है, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम फिर भी लेते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन थिंग स्टार्टेड लाइक 1.5 साल पहले। तो उसमें समय स्टार्टिंग में जो मैंने इनिशियली कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे फॉर द फर्स्ट मंथ, बिकॉज मैं चाहता था कि अगर मैं खुद को टेस्ट करूँ, अगर मैं कंटिन्यूसली जिम जा पा रहा हूँ तभी मैं न्यू सप्लीमेंट्स की ओर जाऊँगा, वरना मैं सप्लीमेंट्स वगैरह ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि इनिशियली सप्लीमेंट्स में पैसा लगाना एक अच्छा चॉइस नहीं होती है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट को एटलीस्ट इतना कैपेबल बनाना होगा कि आप उतना सप्लीमेंट्स या फिर वो सब चीज़ें डाइजेस्ट कर सको। फॉर मी मेरा डाइट बहुत ही छोटा था, लाइक माई एपेटाइट वॉज वेरी स्मॉल। तो मेरे लिए इनिशियली खाना की जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाई तभी मुझे दिक्कतें होने लग गई थी, बट एज सून एज 1 मंथ मेरा पास ऑन हुआ तो मैंने स्टार्ट किया सप्लीमेंट्स लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद अ मास गेनर फ्रॉम अ कंपनी बिग मसल। वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वो मैंने छोड़ दिया। देन आई केम अप विद अ प्रोडक्ट दैट इज़ दिस फ्यूल वन फ्रॉम मसल ब्लेज। उस समय इसका कॉस्ट मुझे पड़ता था अराउंड 1600 रुपये के आसपास, और एज ऑफ नाउ ये भी मुझे 1600 का ही पड़ा। तो फॉर मसल ब्लेज आई यूज मसल ब्लेज फ्यूल वन फॉर लाइक अ ईयर और सो। रीजन बींग काफ़ी कॉस्ट अफोर्डेबल था और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था। यस एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन वो काफ़ी ज़्यादा चीप ऑल्टरनेट्स हैं हमारे पास, बट ट्रस्ट भी थोड़ा सा एक इशू था तो मैंने नहीं ट्राई किया। आई यूज फ्यूल वन और वो काफ़ी अच्छा था। वे में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक रियली आप ये ट्राई कर सकते हो फ्यूल वन, देन दिस बिगनर्स वे एंड दिस 80% 90% भी आता है। उसके अलावा कई दूसरे ब्रांड्स के ऑल्टरनेटिव भी होते हैं, लाइक आई हैव दिस फास्ट एनर्ज। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वे में, आपको जो सही आपके प्राइस के हिसाब से सही पड़ रहा है और जो आपको डाइजेस्टिबिलिटी और टेस्ट अच्छा मिल रहा है वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दूंगा अच्छे ब्रांड्स के नाम जिनके जो पर्सनली मैंने ट्राई किए और मुझे ठीक लगे जिनके प्रोडक्ट्स। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन सप्लीमेंट दैट इज क्रिएटिन। तो क्रिएटिन भी मैंने लगभग लगभग बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था क्रिएटिन लेना, 2 से 3 महीने के बाद ही। एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग क्रिएप्योर। ये मैंने लास्ट कुछ वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर दिया था वाई आई एम यूजिंग क्रिएप्योर। कॉस्ट इसका जो कॉस्ट पड़ता है दैट इज़ अराउंड 1200 रुपये फॉर दिस 250 mg। हाँ ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपको छोटा जो डब्बा है वो इतना कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता है, दैट इज़ अराउंड 600 रुपीज़, तो वो मेरे को इतना सही लगता नहीं है। तो मैं ये लेता हूँ, ये अच्छा खासा टाइम तक चल जाता है मेरा। उसके बाद जो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है लेना दैट इज़ दिस ट्रैथ। ट्रैथ एक प्री वर्कआउट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी तो ये मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसे ट्राई करना चाह रहा था। तो दिस कॉस्ट मी अराउंड 2400 रुपीज़। एंड फॉर रेथ और या फिर कोई भी प्री वर्कआउट की बात करें तो प्री वर्कआउट लेना इतना ज़रूरी नहीं है। लाइक मेरे को 1.5 साल हो गए ट्रेन करते हुए, नाउ आई एम टेकिंग प्री वर्कआउट। वो भी इसलिए क्योंकि जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता हूँ और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता हूँ एक अच्छा वर्कआउट सेट लगाने के लिए। दिस इज़ वेयर दिस प्री वर्कआउट हेल्प्स मी, थोड़ा सा बेटर माइंड स्टेबिलिटी आती है और थोड़ा ना रेज टाइप का आता है और थोड़ा फ्रेश फील करता हूँ, तो उस वजह से आई एम यूजिंग दिस प्री वर्कआउट। इससे पहले मैंने आज तक प्री वर्कआउट्स यूज़ नहीं किए। दिस वन ठीक है, अच्छा है फ्लेवर, ये वाला पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। दिस इज़ लाइक वोडू ब्लैक फ्लेवर, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं मतलब, लेकिन अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा मैं कोई फ्लेवर ट्राई करूँगा फॉर द नेक्स्ट टाइम। द टाइम बींग ये अभी मेरे 3 मेजर सप्लीमेंट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करता हूँ और इससे पहले मैं सिर्फ 2 सप्लीमेंट्स यूज़ करता हुआ आ रहा था। नाउ सप्लीमेंट से अलग वॉट एल्स कैन यू यूज़? उसके अलावा आई एम यूजिंग पीनट बटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो डाइट में मैंने स्टार्टिंग में इंक्लूड करी थी 6 महीने के बाद, दैट वॉज पीनट बटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोट करनी है, वो ये है कि आप एलर्जिक नहीं होने चाहिए नट्स से, तभी इनसे यूज़ करना। राइट नाउ आई एम यूजिंग समथिंग फ्रॉम वीबा। ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें पीनट बटर में ना ऐसा होता है कि अगर आप पीनट बटर यूज़ कर रहे हो तो
जो आपका कंटेनर है उसमें काफ़ी दिन तक पीनट बटर रखा जाता है, उसमें ऊपर ऑयल आ जाना चाहिए, बिकॉज जो मूंगफलियाँ होती हैं पीनट्स उसमें ऑयल निकलता है। अगर वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके पीनट बटर बना रहे हैं तो वो वाला अवॉइड करो। मोस्टली सनफ्लावर नहीं, सनड्रॉप, हाँ, तो सनड्रॉप कंपनी का जितना भी आता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है, और मैं उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं सनड्रॉप का पीनट बटर यूज़ करता था, बट ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका मतलब कंसिस्टेंसी भी अच्छी है और वो जो ऑयल होता है वो है, एंड प्लस इट डजेंट हैव शुगर्स, तो ये अनस्वीटेंड है, अच्छा है। बट नो प्रमोशंस, कोई भी एक भी प्रोडक्ट मुझको ऐसा स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब अपने पैसों से ले रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैंने जो चीज़ें ऐड करी थी अपनी डाइट में, दैट वॉज बनानास। 3 से 4 के लिए यार अपनी डाइट में ऐड करो रोज़, बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, काफ़ी चीप ऑल्टरनेटिव है। वन मिथ या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ कि भाई मैं अभी बोलूँगा सोया चंक्स मत ट्राई करो, या फिर सोया चंक्स कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट अ गुड प्रोटीन सोर्स। रीज़न बीइंग डाइजेस्टिबिलिटी, सोया जो होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट हाँ बहुत होता है, बट इट इज़ नॉट अब्जॉर्बेबल, वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है बहुत ज़्यादा। इसकी जगह आप मशरूम्स यूज़ कर सकते हो, मशरूम्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और मशरूम्स का प्रोटीन बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है और अच्छे से डाइजेस्टेबल होता है। इसके अलावा सोया में ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से आपका प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह स्लो हो जाता है। ठीक है, अपनी जगह लोग इस चीज़ को नहीं मानते, कुछ लोग पर्सनली, देखो यार ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो आपको बहुत काम आएगी, वो ये है कि यार जो करना है खुद के हिसाब से करो। लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट हम अपना एक्सपीरियंस आप पर फोर्स नहीं कर सकते। मैंने पर्सनली सोया चंक्स कभी नहीं ट्राई किए, द रीज़न बीइंग मुझे पता है उसको अब्जॉर्प्शन नहीं होता उसके प्रोटीन का, तो बेकार है। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ऐड करी थी वो था चिकन, अब उतना नहीं हो पा रहा है, जब से कॉलेज से बाहर आया हूँ तब चिकन का काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है मेरी डाइट में, मैंने बंद कर दिया काफ़ी ज़्यादा। देन इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, एक बहुत अच्छा सोर्स होता है एग्स। एग्स में यार कुछ लोग बोलते हैं बॉयल्ड एग्स खाओ, कुछ बोलते हैं कि यार आप स्कैम्बल्ड एग्स खाओ, बॉयल्ड अच्छे होते हैं स्कैम्बल्ड अच्छे नहीं होते। बॉयल्ड कितने दिन तक खा लोगे यार? मैं ऐसा करता था कि अगर मैं 3 दिन बॉयल्ड एग खा रहा हूँ तो बगैर से 3 दिन मैं स्कैम्बल्ड ले लूँगा, या फिर अगर मैं 3x का वो ले रहा हूँ ऑमलेट या फिर भुर्जी बनवा रहा हूँ तो बचे हुए 3x जो होते हैं मेरे वो बॉयल्ड ले लेता था। इससे मुझे एग्स में ही थोड़ी सी वैरायटी मिलती थी जिससे मैं एग्स से बोर नहीं होता था। फॉर नाउ आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग एग्स, अगर अभी भी मैं लेता हूँ कभी कभी तो फिर मैं बॉयल्ड ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी गैस स्टोव वगैरह नहीं है उन्हें बनाने के लिए। अदर वन मोर इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट जो मैंने स्टार्ट कुछ दिन पहले यूज़ किया था, दैट वॉज ओट्स। ओट्स भी सेम मसल ब्लेस का ही मैंने यूज़ किया। हाँ मैं मसल ब्लेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट वो स्पॉन्सर्ड नहीं है अभी तो नहीं है, आगे अगर वो लोग करते हैं तो दैट्स गुड, मैं श्योरली उनके साथ आना चाहूँगा, बट अभी के लिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, मतलब अपने पैसों का यूज़ करता हूँ मैं सब कुछ। मैंने ओट्स यूज़ किया था मोस्टली, बहुत दिन यूज़ किया, एंड दोज आर रियली गुड ऑल्टरनेटिव्स, लाइक आप ट्राई करो, बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट है, बहुत अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी है। जो मेरा करंट सप्लीमेंट स्टैक पड़ता है उसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है वे प्रोटीन, जिसमें हमारे पास है 80% वे। ये अनफ्लेवर्ड है जिसकी वजह से मुझे इसके साथ एक और वे प्रोटीन ऐड करना पड़ता है, दैट इज़ हमारा फ्यूल बन। ये मैं वनीला यूज़ करता हूँ क्योंकि जो वनीला फ्लेवर है और जो कुकी एंड क्रीम फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा स्वीट था, तो इन दोनों को मिक्सअप करो बेस्ट। अब यहाँ पर इन दोनों को मिक्सअप करने की जगह मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन आता है, दैट इज़ बायोजाइन। बट बायोजाइन आपको 4100 रुपीज़ से 45 के बीच में मिलता है, कभी कभी 38 तक भी मिल जाता है, बट स्टिल अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ दैट इज़ अराउंड 32 to 3300 रुपीज़, तो मैं करीबन 2 kg पर 400 से लेके 1000 रुपये तक सेव कर पाता हूँ बाई यूजिंग दीज टू प्रोडक्ट्स। ये मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला लगभग लगभग सेम प्रोटीन कंटेंट पड़ता है, बायोजाइम में ऐसा कुछ खास मुझे मिल रहा था। देन कम्स क्रेप योर, दिस इज़ अराउंड 1150 रुपीज़, इसका फ्लेवर्ड वर्जन 1200 समथिंग के आसपास पड़ता है, अनफ्लेवर्ड लो इतना कोई ज़रूरत नहीं है। देन कम्स रैथ, रैथ यानी एक प्री वर्कआउट, प्री वर्कआउट ये जो है ये पड़ता है हमें अराउंड 2300 से 2400 रुपीज़ का, ये वाला, ये 2 मंथ का स्टैक है, इसी में मैं क्रेप योर मिला देता हूँ और फिर मैं यूज़ करता हूँ। हाँ रैत में पहले से क्रेपे और भी आता है बट उसका क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसलिए मैंने अपने साइड से जो है वो डालना स्टार्ट किया।
तो जो मेरा टोटल है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख सकते हो कि कितना टोटल एक मंथ का स्टैक पड़ता है मेरा। ये जितना भी चीज़ें हैं ये स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी भी कंपनी के थ्रू, बट ये स्पॉन्सर्ड है मेरे डैड के थ्रू। तो यू गाइस लाइक द वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना इफ यू आर न्यू, और वीडियो लाइक करना, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।